सेक्टर 31, ये भी सेक्टर 31, ये भी सेक्टर 31, सेक्टर 31। अरे दुबे जी, ये क्या सेक्टर 31 में पासपोर्ट सेवा केंद्र खुल गया क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं यार। सर, सर। पागल है क्या? हैं? इतनी देर दौड़ा चला आ रहा है अंधा? सॉरी, क्या काम है? सर, वो मेरा पासपोर्ट आया होगा। देश डुबो के विदेश डुबोने जा रहा है। कुछ कहा आपने? नाम बता अपना, किस नाम से पासपोर्ट? जी, मनोज प्रजापति। एड्रेस क्या है? 4/61 सेक्टर 31। एक बात बता, सेक्टर 31 वाले सारे पासपोर्ट को बनवा रहे हैं? वो हमारे एक बड़े भैया हैं, वो विदेश में सबकी नौकरी लगवा रहे हैं। और तुम्हें कहाँ भेज रहे हैं? सऊदी जा रहे हैं हम सब ना। किस काम से? प्लम्बर। जिस देश में पानी का आता पता नहीं, वहाँ पे प्लम्बर का काम है भाई। अरे ऐसी बात नहीं है सर, पासपोर्ट तो तेरे एड्रेस पे ही पहुँच जाता, तू डाक घर क्यों आ गया भाई? जी नहीं पहुँच पाता। क्यों? वो हमारे मोहल्ले के लड़के ना बहुत हरामी है सर। मतलब कि कभी भी कोई डाके हमारे मोहल्ले में आता है ना, तो वो उसे डाक छीन लेते हैं, और फिर जब मांगो तो फिर पार्टी मांगते हैं सर। अरे ऐसे कैसे डाक छुपा सकते हैं? नाम बताओ उसका, मैं पुलिस कंप्लेंट करता हूँ उसके बारे में। अरे साहब छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, इस लफड़े में क्यों पड़े? पासपोर्ट आया है, हैं? और खाली हाथ आ गया? अरे नहीं नहीं सर, क्या बात कर रहे हो, खाली हाथ नहीं आया सर मैं। लीजिए। टिंकाल भाई। जी जी जी। नरेश जी। हाँ जी। इनका पासपोर्ट आया है, ये भी सेक्टर 31 सही है। नाम क्या है? मनोज प्रजापति। ये लीजिए। धन्यवाद भाई साहब, पासपोर्ट आया है, विदेश जाओगे, हमें कहाँ याद रखोगे, भूल ही जाओगे, कुछ सोचो हमारे बारे में भी यार। बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए ना, आप भी लीजिए ना। अरे इनको शुगर है, ये नहीं खाएंगे। हाँ, मैं समझ गया समझ गया। पासपोर्ट आया है आपका, अरे आप ये अठन्नी चिपका रहे हो मेरे को। अठन्नी? तो आज के जमाने में 50 रुपए की कीमत अठन्नी के बराबर ही होती है। एक काम करो, 200 रुपए दे दो। अरे यार दुबे जी, ना तुम्हारी ये आदत बहुत खराब है, तुम हमेशा मेरा रेट ही खराब करने में लगे रहते हो। 200 रुपए, चलो ठीक है 200 रुपए दे दो आप, लेकिन मैं हर बार नहीं मानूंगा तुम्हारी बात। 200 रुपए तो ज्यादा है। हेलो, इनको 200 रुपए भी ज्यादा लग रहे हैं पासपोर्ट के, बताओ। अरे सर पासपोर्ट आया है, कोई ATM थोड़ी आया है कि घिस के पैसे निकाल लूंगा है। अरे मनोज भाई एक बात बताओ, हैं? सऊदी जा रहे हो, मरे से मरा 10-20 लाख रुपए तो कमाओगे साल का, हैं? और 200 रुपए के लिए मरे जा रहे हो। कहाँ 10-20 लाख, भैया ने ना मेरी तनख्वाह 30,000 रुपए पर महीना लगवाई है वहाँ पे। 30,000? क्या हो गया सर, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? सॉरी भाई साहब, बुरा मत मानना, लेकिन 30,000 ना मैं यहाँ डाक बांट के, ये पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, यही बांट के ऊपर से कमा लेता हूँ। पर सर आपकी तो सरकारी नौकरी भी है ना। अरे चलो मान लिया हमारी सरकारी नौकरी है, लेकिन बाहर जो फोटोकॉपी वाला बैठा है वो मरे से मरा 45,000 रुपए महीना कमाता है, और शनिवार एतवार की छुट्टी अलग, और ये चले 30,000 में सऊदीया का पानी रोकने के लिए। 200 रुपए ले दे देना, आपके कहने पे मान रहा हूँ मैं। तो भाई साहब, हाँ मिल गए भैया पासपोर्ट, पर अभी आओ तनी घरे, हाँ पार्टी होई ना, खूब पार्टी होई, चली जाता हूँ सर, थैंक यू सो मच। आओ तनी भैया, मिल गए पासपोर्ट। 200 रुपए मिल गए ना तुझे? लड्डू तो खिला दो, बेकार में शुगर करवा दी मेरे को। तो आपने डब्बा पड़ा ले लेना खुद। सर सारे पागल ही आ रहे हैं क्या आज? क्या काम है? सर मेरा पासपोर्ट आया होगा सर। सेक्टर 31 से? हाँ जी सर। सऊदी जाना है? हाँ जी। बड़े भैया भेज रहे होंगे? हाँ जी। भैया ठेकेदार होंगे? जी सर। अच्छा प्लम्बर बनेगा? अरे कमाल है सर, अंतर्यामी हो आप तो। क्या नाम है तेरा? सर मनोज प्रजापति। मनोज प्रजापति? ये मनोज प्रजापति है तो वो कौन था? क्या नाम है? सर मनोज प्रजापति। आधार कार्ड दिखाऊं क्या? अरे वो बात तो मैं लगा के इसका पासपोर्ट नहीं दे गया। आधार कार्ड दिया था? मेरा काम है आधार कार्ड लेना, आपको लेना था। उसे पकड़, मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा, नहीं तो पकड़ के लाओ उसे। सर मेरा पासपोर्ट आया। अरे तेरे पासपोर्ट के चक्कर में हमारी नौकरी चली जाएगी। और नरेश,
पकड़ के लगे। भाई तो आप बैठो ना, बैठ जाओ।